आज हम बनाने जा रहे हैं ये गर्ल्स के लिए खूबसूरत कैपरी, हमारे साथ रहिए। वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूज, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं कैपरी। ये वाइट कलर का आपको कपड़ा नज़र आ रहा होगा और ये मेरे पास पैटर्न है। ये मैं पैटर्न आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आप मेरी उस वीडियो का लिंक देख लें और उसके बाद जो है मैं सिर्फ इसको रख के सेटअप करूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। आप मेरे साथ रहें और देखें। आप ये देख रहे हैं, ये हमने अपनी कटिंग कर ली है। अब मैं ये पैटर्न हटा रही हूँ अपना। ये मेरा फ्रंट है और ये बैक है, आपको देखने में ही पता चल रहा होगा। एक थोड़ा सा बड़ा है और एक छोटा है। आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें ये अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब ये देखें, ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो है मुझे इसके अंदर ये वाली बेल लगानी है। ये जब मैं सीऊँगी तो उस वक्त इस तरह लगाऊँगी कि ये किनारे इसके इस तरह नीचे आएंगे दोनों तरफ हमारी, ठीक है। और ये इस तरह आएगी नीचे, ये स्ट्रेट पैंट है हमारी, ठीक है। ये अब हम आपको इसको सीकर दिखाते हैं। एक साइज़ बड़ा जो पीछे वाला है ये, और ये हमारा आगे फ्रंट का है। दोनों को हम पहले ये जो साइड की जो हमारी सिलाई है इसे हम सियेंगे, इसके ऊपर से एक बूट की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ये हम अंडरलाइन जो हमारी ये जो म्यानी की सिलाई है इसको हम सी। ये देखें, ये हमारी बीच की पूरी सिलाई हो चुकी है और ये हमने साइड की भी अपने अंडरलाइन सिलाई जो होती है हमारी वो भी सी ली हमने म्यानी जो है ये। और अब हमें नीचे का जो हमारा अपना हमारा पैंचा मिल चुका है हमें, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि ये हमें नेट लगानी है। तो नेट लगाने का दो तरीका हो सकता है। आप एक तो ये बिल्कुल बारीक मोड़ें और इसके ऊपर नेट लगा दें इस तरीके से, ठीक है। पहले आप इसको बारीक मोड़िए और ये जो हमारी नेट रखी हुई है ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह आएगी, सही। और दूसरा जो है हम लेंगे इसको, हम इसे पहले ये सी लेंगे, ठीक है। और सीने के बाद नेट समेत इसको बारीक सा मोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा पैंचा इस तरह से रेडी हो जाएगा। मैं ये वाला तरीका करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा नेट को हमारी डबल सिलाई मिल जाएगी। इसमें आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं ये चीज़ करके, और उसके बाद इसको यूँ बिठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बारीक सी सिलाई इस तरह करेंगे। ये देखें, बिल्कुल बारीक सिलाई की है हमने ये,
और ये हमारे बैक साइड पे ये इस तरह आएगा ये, और ये हमारा पैंचा यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे सियेंगे और अपना दूसरा पैंचा भी हम रेडी करेंगे इस तरह, और फिर बीच में हम बीच की सिलाई लगाएंगे पूरी इसी तरीके से, पूरी लगा के यहाँ पे घुमा के, और उसके बाद हमें इलास्टिक लगाना। देखिए ऊपर हमने इलास्टिक लगाई है, और उसके बाद नीचे ये असल में आपको हम ये पैंचा बनाना बताना बता रहे थे अपने कैप्री का, कि आप किस तरह इसको मज़ीद खूबसूरत कर खूबसूरत बना सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, और उसके साथ ही हमारा ये कैप्री कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर हमारे आपको हमारा कैप्री पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप बिगनर हैं, नए सीने वाले हैं, तो आपको ये मेरी पैंट का ट्यूटोरियल मेरी नेक्स्ट वीडियो जो पिछली वीडियो है उसमें मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो के लिंक डाल रही हूँ। अगर आप वो वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको ये कैप्री सीने में बहुत आसानी होगी, और हमारा जो है इसका पैटर्न भी बाकायदा है, आप उसमें पैटर्न भी देख सकते हैं। तो आपको अगर ये दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से ये कैप्री बना सकते हैं खूबसूरत सा। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial, and like this tutorial as well. Thank you so much.